बढ़ती उम्र में बच्चों के मानसिक व शारीरिक सेहत के लिए जरूरी है व्यायाम। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। आप अपने बचपन के दिन याद कीजिए, कैसे दिन भर भाग दौड़ और खेल कूद में दिन व्यतीत होता था, लेकिन आज के बच्चों की दिनचर्या तो बिल्कुल अलग है। स्कूल, ट्यूशन और एक्टिविटी, उसके बाद जो समय बचा थोड़ा बहुत, वो वीडियो गेम खेलने में या टीवी देखने में व्यतीत होता है। तो जब बच्चों का इस तरह दिन व्यतीत होगा तो उनकी मानसिक सेहत और शारीरिक सेहत दोनों ही प्रभावित होगी। तो आज मानसिक सेहत और शारीरिक सेहत के लिए बच्चों के लिए कम उम्र से, यानी 6-7 साल की उम्र से ही व्यायाम और खेल कूद के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। अगर कम उम्र में ही ये चीज उनके जीवन में आ जाएगा तो उनकी सेहत भी सुधरेगी और उनकी क्षमता भी प्रखर होगी, वो और अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। और इससे क्यों, लेकिन अगर यौगिक व्यायाम उनको करवाया जाता है तो उनकी शारीरिक सेहत के साथ साथ मानसिक सेहत भी उनकी बहुत अच्छी होगी। इससे उनकी याददाश्त बढ़ेगी, शरीर लचीला होगा, पाचन संस्थान उनका स्वस्थ रहेगा और रक्त संचार भी अच्छा होगा। आज आप देख रहे हैं कम उम्र में ही बच्चों को एक तो मोटापा बहुत आ रहा है, उसके साथ साथ मोटापा के साथ साथ उनको डायबिटीज और अस्थमा, ऐसे बहुत सी दिक्कतें आ रही है क्योंकि वायु प्रदूषण बहुत जबरदस्त है, इम्यूनिटी उनकी कमजोर है। जहाँ अगर आप ये यौगिक व्यायाम करवाते हैं तो वो इन सब बीमारियों से तो बचे ही रहेंगे। दूसरा, उनकी जो याददाश्त है, उनके पढ़ाई के कैरियर के मामले में बहुत अच्छा रहेगा ये। तो मैं आज आपको बहुत थोड़े से व्यायाम बता रही हूँ कि जो बच्चों के सचमुच सर्वांगीण विकास में सहायक है, वो सिर्फ वही थोड़े से व्यायाम बता रही हूँ कि क्या करवाएं। देखिए, बच्चों के पास बहुत समय नहीं होता है, लेकिन आज जो मैं बता रही हूँ, देखिए सूर्य नमस्कार तो बहुत अच्छा है। अगर बच्चे सूर्य नमस्कार शुरू से करने की आदत डाल लें, केवल 2 मिनट के लिए, 2 मिनट में बच्चे आराम से 8 से 10 बार कर सकते हैं और बाकी आसन 1-1 मिनट के लिए। अगर सूर्य नमस्कार का समय है तो सूर्य नमस्कार और प्राणायाम करवा लें, फिर 5 मिनट करवाएं, बाकी प्राणायाम करवाएं। और अगर किसी दिन सूर्य नमस्कार का मन नहीं हो तो मैं कुछ आसन बताती हूँ। एक दिन सूर्य नमस्कार, एक दिन आसन, तो यानी पूरा शरीर के ऊपर उनके बहुत अच्छा असर आएगा। सूर्य नमस्कार भी ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, सर्वांगीण विकास के लिए बहुत अच्छा है और आसन तो है ही। तो मैं आज आपको बहुत थोड़े से अभ्यास बता रही हूँ जो उनके लिए बहुत अच्छे हैं। इसके लिए सूर्य नमस्कार का मैं वीडियो तो डाल ही देती हूँ, लेकिन मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ। तो ये बहुत बहुत आराम से बच्चे कर सकते हैं। सूर्य की ओर मुंह करके नमस्कार आसन से ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन और ब्रीद आउट। देखा कितना जल्दी से हो जाता है। तो ये तो मैंने एक अभ्यास सूर्य नमस्कार का बताया है। अगर बच्चे 2 मिनट 3 मिनट भी कर लेते हैं तो 10-12 बार आराम से कर सकते हैं। 10-12 भी बहुत है क्योंकि इसमें पूरा शरीर खींचता है, उसमें रक्त का संचार बहुत अच्छा होता है। इसके बाद मैं आपसे बोलूं खड़े होके एक अभ्यास लंबाई बढ़ाने के लिए, वो है ताड़ासन। सांस भरते हुए एक पॉइंट पर पैर लगातार देखते हुए पूरे शरीर को ऊपर खींचे और ब्रीद आउट करके नीचे, बस 1 मिनट के लिए। 1 मिनट में बच्चा आराम से 3-4 बार कर लेगा। सांस भरे और सांस छोड़ते हुए नीचे। तो ये तो था ताड़ासन जो 1 मिनट करना है। इसके बाद मैं बोलूंगी वृक्षासन। वृक्षासन के लिए एड़ी यहाँ लगाए,
दृष्टि अभी भी एक जगह स्थिर कर दें और उसी जगह देखते हुए पोज को आधा मिनट के लिए बनाएं। इसी प्रकार दूसरे पांव से, ये उनके कंसंट्रेशन पावर को बहुत अच्छा बढ़ाएगा। जो उनकी कंसंट्रेशन अच्छा होगा तो बच्चा पढ़ाई में अच्छे तरह करेगा परफॉर्म। अगर बच्चा आधा मिनट इस पोज में रुक लेगा तो बहुत अच्छा है। दोनों पांव से ही कुल मिला के 1 मिनट, ये भी 1 मिनट का अभ्यास मैंने बताया। तीसरा अभ्यास में पादहस्तासन बता रही हूँ, जो उनकी लंबाई के साथ साथ मेमोरी के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। इसमें दोनों पांव को मिला के खड़े होंगे, सांस भरते हुए, करने में भी बहुत सुगम है, पूरी सांस भर ले और ब्रीद आउट करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग में जितना बच्चे से झुकता बने उतना करेगा और आंखें बंद करके बस लंबी गहरी श्वास, आंखें बंद होंगी, श्वास प्रश्वास सामान्य रूप से बस लेते रहे छोड़ते रहे। ये भी 1 मिनट का ही व्यायाम है। और सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाए, सिर सीधा कर ले, ब्रीद आउट एंड डाउन, हाथ नीचे ले आए, आंखें बंद रखते हुए सिर की तरफ जो रक्त का संचार बढ़ा था उसको सामान्य होते हुए एक बार पीठ को पीछे मोड़ लें, क्योंकि अभी हम आगे झुके थे। बस ये भी 1 मिनट का व्यायाम था। अब मंडूक आसन के लिए हम बैठ जाएंगे। ये डाइजेशन को तो मजबूत रखेगा ही, डायबिटीज से भी बचाएगा, क्योंकि आज मैंने बोला डायबिटीज बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में आ रहा है। कम उम्र में ही बच्चों को डायबिटीज हो रही है, तो ये मंडूक आसन करने में भी सरल है, मन को भी शांत रखता है, पाचन संस्थान को बिल्कुल रोग मुक्त रखेगा। तो इसके लिए मुट्ठी बनाए, नाभि पे लगाए और सांस छोड़ते हुए, ये सभी उम्र के लोग जितनी चीज बता रहे सब कर सकते हैं। और यहाँ खा करके बस आंखें बंद कर लें और लंबी गहरी श्वास ले छोड़े। श्वास प्रश्वास को लगातार लेना छोड़ना है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ साथ प्राण वायु यानी प्राण तत्व जो जा रहा है वही स्वस्थ रखने में सहायक है। और सांस भरते हुए ये भी अभ्यास आधा आधा मिनट के लिए 2 बार बस कर ले, यानी कुल 1 मिनट, ज्यादा नहीं करने को मैं कोई चीज बोल रही हूँ। अब इसके बाद मैं बोलूंगी सीधे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए अपनी जगह पर ऐसे उल्टा लेट जाएंगे। ये अभ्यास जरूर 2 मिनट करना है, ये चाहे आधा आधा मिनट के लिए 4 बार कर ले। सांस भरते हुए गर्दन पीछे, लंबी गहरी श्वास ले छोड़े, ऐसे कुछ सांस लेने के बाद ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाए और रिलैक्स हो जाए। मैंने बोला इसको तो 3-4 बार करें, 2 मिनट इसके लिए मैंने समय रखा है। फिर से सांस भरते हुए, ये कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ाता है, लंग्स को, आपके फेफड़े को स्वस्थ रखता है, सर्दी जुकाम अस्थमा जैसी चीजों में उससे बचाव भी होगा और डाइजेशन को भी करता है। बहुत अच्छा अभ्यास है, पीठ को लचीला बनाता है। ब्रीद आउट। आज बच्चों को बहुत समय बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते कमर में दर्द हो जाता है, तो ये कमर को भी मजबूत रखेगा। इसके बाद एक अभ्यास बता रही हूँ धनुरासन, जो डाइजेशन के साथ साथ मोटापे से भी बचाएगा। बस इस तरीके से आधा आधा मिनट के लिए 2 बार कर ले, यानी कुल 1 मिनट। इसमें भी आपको ज्यादा देर नहीं करवाना है, बच्चों को अगर हम शुरू से कराएंगे तो मोटापा आएगा ही नहीं, और आ गया है तो ठीक हो जाएगा। अब इसके बाद एक आसन में बता दी, अगर वो आसन बच्चा कर लेता है तो मेमोरी शार्प रहेगी, बच्चे का हाइट बढ़िया होगी। इसके लिए बस ऐसे लेट के कमर को पकड़े और पीठ को ऊपर उठा दे, लंबी गहरी श्वास ले छोड़े, लगातार श्वास प्रश्वास के साथ इस पोज में। अगर बच्चा इस पोज को ऐसे नहीं कर पाता, इतना भी करता है तो ठीक है, इतना भी चलेगा, और अगर कर पाता है तो पूरा करवाएंगे।
और नहीं तो इसमें रुक जाइए और इसके बाद सांस भरते हुए रिलैक्स। ये आसन बिल्कुल मैं बोलूंगी 2 मिनट के लिए। 2 मिनट करने से उसके ब्रेन का तो बहुत अच्छा हो ही होगा, यानी याददाश्त भी बढ़ेगी, हाइट भी बढ़ेगी और इससे मन भी शांत होगा, पूरे शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। अगर बच्चे से ये वाला आसन नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब कर लेगा। अभी क्या करें, क्योंकि हमको तो ब्रेन के लिए भी देखना है और उसकी आंखों के लिए भी, आंखों के लिए भी आसन बहुत अच्छा था, उसकी जगह मैं दूसरा आसन बता रही हूँ। अगर ये नहीं कर पाता तो ये कर ले, फिंगर्स को इंटरलॉक करें, यहाँ पर लगा ले और ऐसे बैठते हुए बस केवल आंखें बंद रखते हुए ये पोज बना ले। अब यहाँ लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें, ये तो बिल्कुल सरल है, कोई भी कर सकता है। और जब 2 मिनट यानी 1-1 मिनट के लिए 2 बार, उसके बाद 1 बार कुछ सेकंड के लिए यहाँ रहें, उसके बाद सांस भरते हुए सीधे बैठ जाए और बस आंखें बंद रखेगा, क्योंकि तो अभी जो हमने अभ्यास किया है इससे सिर की तरफ रक्त का संचार बढ़ गया है। और सिर की तरफ रक्त का संचार जब बढ़ता है तो वो हमारे चेहरे के लिए, बालों के लिए, आँख के लिए, मेमोरी के लिए, हाइट के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। पूरे शरीर को रोग मुक्त रखने के लिए दोनों अभ्यास बहुत अच्छे हैं। तो मैंने अभी अर्धशीर्षासन और सर्वांगासन 2 आसन बताए। शीर्षासन सबके लिए करने लायक, सभी तो नहीं कर सकते, तो मैं शीर्षासन बता भी नहीं रही हूँ करने के लिए। अभी शुरुआत में कम उम्र में सिर्फ ये सरल अभ्यासों से काम चलाए, और ये सरल अभ्यास करते करते बच्चे कब इतने ज्यादा लचीले और फ्लेक्सिबल बनेंगे, ब्रेन शार्प बनेगा और वो सारे आसनों को करने के लिए फिर तैयार होंगे। तो आज मैं जो बता रही थी इसमें केवल 2 प्राणायाम और बता रही हूँ। 2 प्राणायाम अगर बच्चा करेगा तो ये उनके मन को शांत रखने के साथ साथ उनको, उनका कंसंट्रेशन, मेमोरी, सब कुछ बहुत अच्छी बनेगी। इसके लिए एक कपालभाति, सीधा सीधा कपाल यानी फॉरहेड, भाति मैंने शायद, ये कपालभाति का जो अभ्यास है ये मेमोरी को तो शार्प करता ही है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, बढ़े हुए पेट के लिए भी और लंग्स के लिए तो रामबाण है। करना क्या है इसमें, आप बच्चा जितने स्ट्रोक ले कोशिश करें उन्हें सिखाएं कि पेट जब सांस बाहर निकालते तो पेट पूरा अंदर जाए, ऐसे शुरुआत में बच्चा अगर ऐसा भी कर रहा है तो मानिए बहुत अच्छा कर रहा है। मैं बच्चों के हिसाब से बता रही हूँ, बड़ों के हिसाब से नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आज का वीडियो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ ताकि आप बच्चों को सिखाएं, दिखाएं और बच्चे इसको करें। तो एक तो मैंने कपालभाति बताया है, दूसरा मैं बोल रही हूँ अनुलोम विलोम, जो भी करने में बहुत सरल है, इसमें कोई नियम नहीं है, बस वायु नासिका से शुरू करना है और वायु नासिका पे जाके खत्म करना है। ये दोनों प्राणायाम 2-2 मिनट के लिए करना है। मैंने बोला ना कि मैं आज का जो वीडियो बना रही हूँ ये मात्र 15-16 मिनट या 17 मिनट में समाप्त हो जाएगा, इतना समय तो बच्चों को व्यायाम अपनी हेल्थ के लिए देना चाहिए। और सूर्य नमस्कार भी ऐड करते हैं तो 20 मिनट से ज़्यादा का नहीं है, और 20 मिनट तो आराम से दिया जा सकता है, 24 घंटे में 20 मिनट बच्चा सुबह दे सकता है। अब मैं दूसरा अनुलोम विलोम बता रही हूँ। देखिए उनको मुद्रा तो ये बनानी है बच्चों को, ये मेमोरी को शार्प करती है। जब कपाल भाति कर रहे हैं तो भी ये इसी मुद्रा में करें, और अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो एक हाथ तो इसी मुद्रा में है, इसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा मेमोरी के लिए 100% प्रभावी है। उनकी 3 उंगलियां सीधी हो और टच द टिप ऑफ फर्स्ट फिंगर एंड थंब, अंगूठा और पहली उंगली का जो ऊपरी भाग है वो आपस में मिला हुआ है बस। और अब नाड़ी जो अनुलोम विलोम बता रही हूँ उसके लिए दाई नासिका को बंद करके
अनुलोम विलोम भी केवल 2 मिनट के लिए बोल रही हो और 1 मिनट ओम चाल के, यानी 5 मिनट प्राणायाम और ये 10-12 मिनट का अभ्यास जो मैंने योगिक अभ्यास बताया है वो 10-12 मिनट के ही है, ज़्यादा नहीं है। तो 1 मिनट के लिए ओम चाल के लिए भी ज्ञान मुद्रा बनी होगी, आंखें बंद होगी और छोटे छोटे अभ्यास बच्चों के मन में एकाग्रता तो लाएंगे ही, उनके जो आज उनके स्वभाव में उच्छृंखलता आ गई है, उनको छोटी छोटी बातों में क्रोध आ रहा है, उससे मन उनका शांत होगा, पढ़ाई में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो हर माँ बाप भी यही चाहता है, तो उसके लिए आपको ही प्रयास करना होगा ताकि बच्चा इन चीज़ों को सीखे और करें, ताकि बच्चे तो अच्छे बनेंगे ही बनेंगे और आपको भी इससे खुशी मिलेगी। मेरा आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे, और अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करेंगे। देखिए, लाइक शेयर करने से क्या होगा, बेशक आपने देखा आपके घर में बच्चे नहीं हैं, पर आप शेयर करेंगे तो जिनके घर में बच्चे हैं उनके तो काम आएगा, और वो भी एक अच्छा वीडियो देख करके अपने बच्चों को करवाएंगे। किसी के भी बच्चे आगे बढ़े तो अच्छी बात है, स्वस्थ रहे बहुत अच्छी बात है। तो प्लीज़ लाइक शेयर तो करेंगे ही करेंगे, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मेरा ये छोटा सा 15-20 मिनट का वीडियो कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।